गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. सो मेनी पीपल आर आस्किंग सर, व्हाट इज माय फेट इन रिजर्व लिस्ट, वेदर आई विल गेट द चांस ऑफ अलॉटमेंट और नॉट. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजर्व लिस्ट. रिजर्व लिस्ट मीन्स यू हैव नॉट क्लियर्ड इन द मेन लिस्ट एंड द IBPS हैज केप्ट सम पीपल इन वेटिंग. And this reserve list clearance depends upon various factors. And one of the most important factor is whether demand from different bank will come for the post and the category which you belong. So if bank makes a request for allotment, so in order of merit, the reserve list candidates will be allocated to that particular bank. And that is true for IBPS RRB clerk officer scale 2 scale 3, and that is true for IBPS PO clerk and SO. So whether you will get the chance to get the seat or allotment under reserve list depends upon various uncertain factors, and that's why nobody can predict whether you will get the chance or not. If you are very close, naturally the probability is in your favor. If gap is more, the probability is not in your favor. But there are cases when entire list is taken. And there are cases when no one from the list was taken. And there are cases when some people from the list were taken into allotment. So it is totally open arena. So nobody can predict whether you will get or not job. And that's why always focus on future exam. But there is a probability you may get the job. God bless you all. अब यही बातें आप हिंदी में करेंगे. रिजर्व लिस्ट को लेके आपके बार बार प्रश्न आता है कि सर मेरा इतना गैप है, क्या मेरा हो जाएगा, क्या मेरे को अलॉटमेंट हो जाएगी. तो इसके लिए हमें इस पद्धति को समझना है. देखो रिजर्व लिस्ट क्या है, एक मेरिट लिस्ट आई, उसके अलावा IBPS ने कुछ कैंडिडेट को वेटिंग में डाल दिया, रिजर्व लिस्ट में डाल दिया. ये रिजर्व IBPS RRB क्लर्क की हो सकती है, ये रिजर्व लिस्ट IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 की हो सकती है, या स्केल 1 PO की हो सकती है, या IBPS क्लर्क IBPS PO और IBPS SO की हो सकती है. अब इसमें से अलॉटमेंट किस बात पर निश्चित करती है, निर्भर करती है. ये निर्भर करती है कि जो डिफरेंट बैंक्स हैं वो क्या रिक्विजिशन भेजते हैं, क्या वो डिमांड करते हैं IBPS से कि कौन से पोस्ट के लिए और कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कैंडिडेट उनको चाहिए. तो अगर वो ये डिमांड करते हैं तो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ये लिस्ट में से लोग उनको अलॉट होते चले जाएंगे, और वो डिमांड नहीं करते हैं तो ये एलोकेशन नहीं होगी. तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं जहां पूरी की पूरी लिस्ट एब्जॉर्ब हो गई, ऐसे बहुत केसेज हैं जहाँ लिस्ट में से कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और ऐसे भी बहुत केसेज हैं जिस लिस्ट में से कुछ लोग एब्जॉर्ब हो गए, कुछ लोग छूट गए. इसलिए आपका होगा या नहीं होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए हम कहते हैं डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. पर जिनका गैप कम है नेचुरली उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, जिनका गैप ज्यादा है उनकी प्रोबेबिलिटी लेस है. पर ये कहना कि आपका हो जाएगा निश्चित तौर पे हो जाएगा या नहीं होगा निश्चित तौर पे नहीं होगा, ये ऐसी भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा क्या बैंक स्टाफ मांगते हैं IBPS से या नहीं मांगते हैं. और ये मांगना उस बैंक की अपनी अपनी सोच है. कई लोग कहते हैं जी वहाँ इतने लोग ज्वाइन नहीं किया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो IBPS पे लागू नहीं है. नॉन ज्वाइनिंग और रेजिग्नेशन वाला रूल केवल स्टेट बैंक जूनियर एसोसिएट के लिए है, बाकी जगह ना ज्वाइन करने पे वो भर भी सकते हैं सीट, नहीं भी भर सकते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल.